फ्रेंड, मैं आपका कुलदीप कौशिक। जैसे कि आपको मालूम पड़ा होगा कि मैं अभी बड़े स्पीति का ट्रिप मार के अपनी गाड़ी से, टाटा सवारी से आया हूँ, और पहली सर्विस तो मैंने आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर ही लिया था। मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं टाटा की गाड़ी मैंने कभी चलाई नहीं है, टाटा के लिए मैं बिल्कुल न्यू हूँ उसके एक्सपीरियंस के लिए। फिर भी जो भी सर्विस होती है, जो भी मेरा कार का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं पहले मारुति की गाड़ी चलाता था, फिर मैंने फोर्ड की गाड़ी चला रहा हूँ 8 सालों से। मैं टाटा की गाड़ी सिर्फ पहली बार खरीदी है, तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपसे मैं शेयर करूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है। तो आप मेरे व्लॉग्स तो देख ही रहे होंगे, जो मैं अभी किस तरह मैंने टाटा सफारी को ड्राइव किया है पहाड़ों पे, क्या रिस्पांस दिया गाड़ी ने। अभी मैं जा रहा हूँ इस गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये गाड़ी मैंने 24 तारीख को मैं गया था, तो मैंने इस गाड़ी को नेविगेशन से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। फ्रेंड, ये देखिए, ये ट्रिप भी है, ये मैं पूरा ट्रिप मार के आया हूँ। 14.6 की मुझे माइलेज दिखा रही है गाड़ी ये, और इसका 2408 किलोमीटर गाड़ी ये चली है। 15,500 रुपये का डीजल आया, 172 लीटर मैंने डीजल डलवाया इसके अंदर, वो मैं आपको जब माइलेज निकालूंगा तो आपको दिखा दूंगा। पर फिलहाल इस गाड़ी के जो एक्सेल में जो राइट हैंड जो ड्राइवर वाला सेट होता है, वहाँ से कुछ आवाज़ आनी शुरू हुई है। तो मैं आज जा रहा हूँ टाटा के पास, सर्विस भी कराऊंगा सेकंड, और ये जो प्रॉब्लम है मेरे को, ये भी मैं शेयर करूँगा, और फिर देखता हूँ कि वो मुझे इसके बारे में क्या रिस्पॉन्स रहता है उनका, क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं नहीं करते हैं। और फ्रेंड, मैं आपको दिखा दूँ, ये गाड़ी को मैंने इतना रफ एंड टफ चलाया है, लेकिन जो इसका फैब्रिक है, जो ये गाड़ी है, आप देखिए इस गाड़ी की जो क्लीननेस है, वो क्लीन है। अभी भी गाड़ी है, ऐसा नहीं कि गाड़ी ये गंदी हो गई हो। रफ एंड टफ चलाने से आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने हाथ रखा बहुत बार, लेकिन ये गाड़ी की जो क्वालिटी है, जो मतलब फैब्रिक की क्वालिटी है, वो ऑलमोस्ट अच्छी है, मतलब गाड़ी गंदी नहीं हुई है। और मैं अभी आपको जाता हूँ टाटा के शोरूम पे, टाटा के सर्विस सेंटर है आर्या का है, पहले भी रही थी, वहीं कराता हूँ, और आपसे शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस कि उन्होंने मेरे को क्या रिस्पॉन्स दिया है, ये जो एक्सेल की प्रॉब्लम आ रही है इसके बारे में क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स गो टू आर्या सर्विस सेंटर ऑफ टाटा। वो सामने आ गया है टाटा मोटर सर्विस, अभी मैं देखता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस रहता है मेरा, और ये मेरी गाड़ी को कैसे 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 बहुत भी रश लग रहा है भाई, बहुत रश लग रहा है। देनी है क्या हमें, देनी है क्या सर्विस, देखते हैं भाई, बहुत रश लग रहा है। ये फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ टाटा के शोरूम पे, और ये गाड़ी लग गई अपनी, लगा दिया भाई ने, मैंने बता दिया है, ये हमारे सुपरवाइज़र साहब हैं जो हमें डील कर रहे हैं आज, बहुत अच्छी तरह डील कर रहे हैं, सब मैंने बता दिया भाई आपको जी सर, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। ओके, हाँ। और ये एक भाई साहब मिल गए हमें, तो जो कौन सी गाड़ी कर रहे हो, फर्स्ट ऑनर। तो इन भाई साहब से भी ये पूछेंगे कि ईवी गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत है या कैसी चल रही है गाड़ी, आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू, आई विल अपडेट जी। गाड़ी मैंने हैंड ओवर कर दी है और बता दिया है कि गाड़ी में क्या क्या दिक्कत है। वो खड़ी है सामने गाड़ी, आप देख सकते हैं वो गाड़ी खड़ी है, मैंने बता दिया है इसके राइट हैंड के एक्सल में आवाज़ आ रही है, और गाड़ी में और तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये देखते हैं कि मुझे कैसे ट्रीट करते हैं, अंदर लगा दिया उन्होंने गाड़ी, तो जैसा भी होगा मैं आपसे शेयर करूँगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं होती। अब चलते हैं वेटिंग रूम। बहुत रश है गाड़ी की सर्विस का, अभी एक्सटेंशन कर रहे हैं शायद, ये वो पुरानी वाली सफारी है।
अभी जैसे कि मैंने बताया था मेरी गाड़ी में आवाज़ है, तो पूरी टाटा की सर्विस टीम लगी हुई है, आज ये ठीक करके मानेंगे इसको। करो करो आप करो करो। तो आज ये भाई कह रहे हैं या तो गाड़ी में रहेगी या आवाज रहेगी। सतबीर जी, सतबीर जी है। कोटिंग मैंने गाड़ी की लास्ट टाइम करा ली थी, अभी वॉशिंग भी होगी गाड़ी, सेकंड सर्विस है फ्री वाली। बात ये नहीं है, बात ये दिक्कत जैसे आई है मेरी, तो ये लोग मेरी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं वो क्वेश्चन होता है, तो सुन तो रहे हैं भाई यार इससे ना। इससे इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है, ये नीचे तरफ आ गया ना। टाटा की गाड़ियों के बारे में तो मुझे पता नहीं, पर सर्विस के बारे में भाई लोग बहुत डराते हैं, बहुत डराते हैं। अब मेरी सेकंड सर्विस है, देखो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी तक मुझे एज ए क्लाइंट दिक्कत नहीं है। अब ये देखो एक्सेल है, आवाज़ आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की, मुझे एक्सेल की लग रही है। तो देखते हैं कि ये शाम तक ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। चौबीस सौ किलोमीटर गाड़ी रगड़ी है पहाड़ों पे, फिलहाल ये इसकी हालत है गाड़ी की। कोटिंग मैंने लास्ट टाइम करा ली थी, तो पानी से रस्ट का तो कोई मेरी कोई दिक्कत इसमें आने नहीं चाहिए, आएगी तो ये गारंटी है इनकी। मैं खुद टाटा में नया हूँ, इसलिए जब मेरी गाड़ी की सर्विस होती है तो मैं खुद आके चेक करता हूँ, मैं इनके भरोसे नहीं छोड़ता फिर भी। कौन सी गाड़ी है? नेक्सॉन खुली हुई है? नहीं नहीं लगाई ना अभी उसमें। वो कोने में? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब गाड़ी इन्होंने वहाँ से उतार के वो सामने लगा दी है, शायद ट्रायल लेने जाएंगे। जो मैंने कंप्लेंट बताई ना आवाज़ आ रही है, अब ये उसको आवाज़ चेक करेंगे, फिर शायद वॉशिंग में लगाएंगे। बाकी कूलेंट वगैरह तो शायद इन्होंने इंजन ऑयल वगैरह तो शायद टॉपअप जो करना था वो कर दिया, तो मैं बताऊंगा कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती। गाड़ी वॉशिंग हो गई? हो गई। ये गाड़ी चमकाते हुए क्या एक कैमरा है, तुम्हारी फोटो आएगी इसमें, है ना? अच्छी तरह दे गाड़ी तुम देखते कर देखो आप कैमरा से देख तैयार तो कर दी है। अब देखते हैं इसमें राइट हैंड में जो आवाज़ आ रही थी वो गायब हुई है नहीं हुई है, वो जब मैं चलाऊंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा। कह तो रहे हैं भैया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, पूरा चेक कर लिया है। अब इस पर ना हल्के हल्के ना कुछ ब्लैक ब्लैक से स्पॉट आ गए हैं, वो मुझे पता क्यों आए थे, क्योंकि मैं एक रोड बन रही थी कहीं पे और बनते हुए रोड पे मैंने गाड़ी चला दी थी। तो अब देखते हैं कैसे भैया रबिंग करते हैं। मैंने इनको बताया नहीं है कि भैया मेरे को प्रॉब्लम थी, अब ये देखो इसको कैसे ठीक करते हैं। क्या हाल है भैया? तुम्हारी गाड़ी है? तुम्हारी गाड़ी है? अच्छा तुम टाटा के यहाँ काम करते हैं? आर रे मोटर डार्क एडिशन है भाई, तुम तो रोज़ नई नई गाड़ियों में बैठ जाते हैं। हालत भी तो ख़राब होती है। अच्छा मज़ा नहीं आता? गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ पैर जो साहब को दुखते हैं ना सब पता लगता है। नहीं जिस पर बीतती है उसको मालूम पड़ता है। तो मैंने भैया से कोटिंग कराई थी, तो अब अपनी ये सर्विस मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये दोबारा से अपने आप कर रहे हैं, मैंने नहीं कहा इनसे, लेकिन पिछली बार कोटिंग कराई थी मैंने, रबिंग कहते हैं भैया। कौन सी होती है? एवरग्रीन कोटिंग होती है सर। आपसे शेयर करूँगा सेकंड सर्विस एक्सपीरियंस विद टाटा। मैंने आपको बताया कि मुझे खुद नहीं पता टाटा की सर्विस कैसी है, लेकिन मैं आहिस्ता एक्सपीरियंस करता हूँ और आप लोगों से शेयर करूँगा। शाम को देखता हूँ कि मेरा बिल कितना बनता है,
और मुझसे कितने पैसे चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि ये फ्लूड जो इंजन फ्लूड जो होता है एग्जॉस्ट इंजन फ्लूड का क्या चार्ज मुझसे लिया जाता है टॉप ऑफ का, और गाड़ी की कैसी कंडीशन है, मैं ये आपसे सब शेयर करूँगा फ्रेंड्स। ये खड़ी है सामने गाड़ी, वो पीछे जो गाड़ी है उस पर कोटिंग हो रही है, देखिए नीचे जो लास्ट टाइम मैंने कराई थी, देख लो पिछली बार मैंने कराई थी, अब की बार वो जो कोटिंग कर रहा है लगा हुआ भाई, आई डोंट नो क्यों कर रहा है, मैंने तो कहा भी नहीं था। और अभी देखता हूँ कि शाम को मुझसे इससे पैसे तो चार्ज नहीं करता ये, क्योंकि ये पिछली बार मैंने कोई 8700 रुपीज़ दिए थे इनसे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मुझसे चार्ज ना करें, लेकिन अभी तक तो कोई दिक्कत मुझे होने दी है, फटाफट से काम कर रहे हैं गोली की स्पीड से। और जितने भी कस्टमर यहाँ खड़े हैं सामने वो देखे खड़े हुए हैं, मेरी सबसे बात हुई है, हर आदमी यहाँ पे जो आ रहा है वो टाटा को सपोर्ट कर रहा है और मेक इन इंडिया के साथ है। बेशक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उनको हो रही है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं हो रही, प्रॉब्लम हो रही है कि पार्ट्स मिलने में देरी होती है। टाटा में मैंने खास बात देखी है, वो सारे जो सामने देख रहे हैं वो क्लाइंट्स हैं जिनकी गाड़ियाँ ये वॉश कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो सर्विस में किसी को मना नहीं कर रहे, कोई अंदर घूम रहा है घूमिए आप देखिए गाड़ी सर्विस होते हुए, कोई भी ऐसा आना कानी मिला रोका टोकी नहीं यहाँ पे हो रही है कि भई आप अंदर क्यों आ रहे हैं, शायद मेरी गाड़ी हो गई है और फाइनली मैं भी थक गया हूँ भाई, सर्विस हो गई है वॉशिंग हो गई है तो प्लीज़ मेरी गाड़ी दे दो, क्योंकि थकान तो इंसान को हो जाती है। ये देखिए अभी तो लाइन लगी पड़ी गाड़ी में, भाई कहाँ कहाँ चढ़े अभी चढ़ गई तो यार, ये तो फिर चढ़ गया इसके ऊपर यार जैसे लग रहा है कि मेरी गाड़ी सर्विस करेगा ये, देखिए कितने ध्यान से सर्विस कर रहा भाई, इनसोन आ गई बाइक के लिए, देखिए कहीं इसको मालूम तो नहीं पड़ गया मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये गंदा था यहाँ मेरा, ये डार्क है, ये मेरे साथ निक्सोन के ऑनर भी है वो भी आए, ये मेरा गंदा हो गया भाई हाथ रख के, उन्होंने कहा जी कोशिश हम आपका कर देते दोनों तरफ से, मैं कहा पैसे नहीं दूंगा, कहते पैसे ही कोई बात नहीं है, देखते हैं भी कैसे चमकता भाई, अभी तो गंदा सा तो हो गया, बाकी गाड़ी अंदर से पूरा वाइट है पर इतनी दिक्कत हो नहीं है ना, देखते करें क्या करते हैं, जो सुबह से मेरी गाड़ी को सुपरवाइज़ कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पिछली बार दूसरे थे अब की बार दूसरे हैं, और स्पेशली मुझे कह रहे हैं कि मैं आपके ना यहाँ पे गंदा हो गया था ये भी सर आपका साफ कराया था भाई, इसी सर्विस के लिए मारे मारे घूमते हैं हम, और ये मिल रही है हमें बिना कहे हुए, और क्या चाहिए, मेरी गाड़ी पर ब्लैक ब्लैक से स्पॉट आ गए थे वो भी संजीव जी ने, संजीव जी थैंक यू वेरी मच, और वो यार पैसे वैसे मत लेना मेरे से, डिस्काउंट कहा मिले, मैं टाटा के लिए नया हूँ भाई इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे बना के रखूँ, और ताकि मुझे आगे दिक्कत ना हो, आप भी आएँ तो सबसे बना के रखें। ये देखिए ऐसी सर्विस भाई मुझे मिलती रहेगी ना तो मुझे जो पेमेंट देनी पड़ेगी उसकी देनी पड़ेगी है डीएफ की ना, कितने रुपए लीटर होता है
लीटर आता है 350 रुपये, सस्ता ही है ना, कोई बात नहीं, टॉप अप कर दो। मैंने गाड़ी भाई गाड़ी तो चली है मेरी 5000 किलोमीटर, तो ये 5000 किलोमीटर में पाँच कम है, कम होते अच्छा 15 लीटर होता ना ये 15 लीटर। अगली बार मुझे ये कराना हो पूरी तो कितने पैसे लगते हैं, आइडिया कुछ? ये सर इसके होंगे 1500-2000 में ड्रेगली रहेगी भाई ना 1500। चलो मेरी गंदी हुई ना सीटें भी साफ़ कर देते हो? सारी यानी बिल्कुल क्लीन होगी। ठीक है ठीक है, वो मैं होगी तो अगली बार करा लूँगा, क्योंकि मेरा ना सारा वाइट है ये, तो वाइट में कहीं ख़राब हो जाए तो मैं करा लूँगा। CC वाली ऑटोमेटिक एंडेवर, क्या गाड़ी है भाई, मस्त। ये आ रही है अपनी सफारी, मैं चेक कर लेता हूँ गड्ढे में, मैं चेक कर लेता हूँ गाड़ी में कि वो आवाज़ है नहीं है, और बैठो दो आ गई अपनी सफारी। लो भाई साहब आप पकड़ना इसका कैमरा, और मैं अभी इसी कर देता हूँ बंद और चेक करता हूँ मैं गाड़ी। तो आप लोगों ने बढ़िया बनाई है, हाँ गाड़ी तो बढ़िया बनाई है, अभी देखते हैं। हाँ सीट बेल्ट लगाता हूँ, ये क्या है? ये सर कैप है। कहाँ का कैप है? देखो मैं देख लेता हूँ, लगा लेता हूँ, चलूँ? चलिए। ये भी तो आवाज नहीं आ रही यार, नहीं है अभी तो नहीं आई आवाज, आवाज नहीं आनी चाहिए, कोई ना आ जाएगी तो मालूम पड़ेगा। ठीक है ठीक है, आप ले जाइए, अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो कभी भी लेके आ जाना, नहीं आएगी तो बता दो। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच। तो भैया ये मैंने गाड़ी ले ली है, भाई साहब ने मुझे हैंडओवर कर दिया है, अब देखता हूँ इसके एक्सेल में आवाज़ है नहीं है, अभी तो आई नहीं है, चला के देखते हैं। भाई जी सर्विस करा के ले आऊँ गाड़ी की, और बहुत ही बिंदास मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरी गाड़ी पे सारे ब्लैक ब्लैक, मैंने क्या कर दिया था, मैं जब काजा जा रहा था सड़क बन रही थी, उस सड़क के बनते बनते मैंने अपनी गाड़ी को चला दिया था, तो मेरी गाड़ी पे ना तारकोल के ब्लैक ब्लैक आ गए थे, तो मैंने इनसे कहा यार, मैंने कहा मैंने तो गाड़ी की आपकी रबिंग कराई पिछली बार जो कोटिंग करा रखी है, तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को रिमूव करके दिया सब कुछ। और भाई मेरी गाड़ी में जो एक्सेल की, अब ये देख लीजिए गाड़ी की क्लीननेस तो लग रही है, और ये देखिए साइड में भी उन्होंने साफ़ कर दिया पूरा, जो मेरे से हाथ लग के गंदा हो गया था। तो भाई सर्विस तो इम्प्रूव हो रही है टाटा की, और मैं टाटा का कोई एजेंट नहीं हूँ, टाटा मुझे पे नहीं करती है, जैसा एक्सपीरियंस होता है वो। देखिए थार जा रही है भाई साहब, नहीं निकली है बिल्कुल, जो थार के दीवाने वो देख लीजिए, सामने बैरियर है। तो मेरा कहने का मतलब भाई मज़ा आ रहा है पूरा गाड़ी चलाने में सफारी, और जो एक्सेल की आवाज़ है वो मेरी गाड़ी की, अभी मैं सुना के दिखाता हूँ आपको, आप देखना क्या आवाज़ आ रही है। अभी ब्रेकर आएगा, एक्चुअल में वो कह रहे हैं कि ये एक्सेल की आवाज़ नहीं थी, कोई प्लास्टिक का पार्ट जिसे गड्ढे में आई गाड़ी, बहुत बड़ा गड्ढा था वो मंडी से आगे मुझे मिला था, और मंडी के आगे आते ही वो गड्ढा आया था, लेकिन लेकिन मुझे लगा शायद एक्सेल में कोई दिक्कत होगी सफारी की, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से चेक किया उसको, लेकिन एक्चुअल में जो दिक्कत थी वो छोटा सा प्लास्टिक का पार्ट अड़ रहा था।
तो फाइनली मैं इस ब्लॉग को यहीं बंद करता हूँ और आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अब मेरी गाड़ी होगी सर्विस, थर्ड सर्विस 1,001 साल के अंदर, वो भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बट आज का एक्सपीरियंस बहुत ही बिंदास और माइंड ब्लोइंग रहा है। थैंक यू वेरी मच।